जो बोले सो निर्भय, परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल, भगवान वाल्मीकि अजर अमर काल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाले प्लांट शेयर किए थे, और देखिए वो प्लांट इन्हीं प्लांट से बिलोंग करने वाले प्लांट थे। और देखिए वो प्लांट आपने देखे होंगे और उनके बहुत ही खूबसूरत कलर भी देखे होंगे, पत्तियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इनकी पत्तियां थोड़ा पास से देखेंगे तो देखिए इनकी पत्तियां आपको ग्रीन कलर की ज़्यादातर दिखाई देगी और थोड़ी वाइट कलर की पत्तियां दिखाई देगी। प्लांट इसी वैरायटी के होंगे और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होंगे। देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि आप ड्रेसिना को बहुत ज़्यादा वैरायटियों में देख सकते हैं, और ड्रेसिना की बहुत ज़्यादा वैरायटियां होती है। ड्रेसिनों को आप बहुत आसानी से किसी भी आसपास की नर्सरी से लेकर आ सकते हैं। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही प्लांट लगाने होंगे। आप भी देखिए ऐसे ऐसे ड्रेसिना के प्लांट ज़रूर लगाएं। ये प्लांट देखिए ड्रेसिना के ही प्लांट है, पर मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इनके आप पत्तियों के कलर कुछ अलग ही देख पाएंगे। ज़्यादातर देखिए ग्रीन कलर में और वाइट कलर में इनकी पत्ती आपको नजर आएगी, और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप इस प्लांट को ना छोड़े, देखिए कितना ज़्यादा ये प्लांट पत्तियों से भरा हुआ आपको नज़र आएगा। और देखिए जितना ये प्लांट पत्तियों से भरा हुआ है उतना ही बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला प्लांट है। ड्रेसिना को आप देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि आप कभी भी लेकर आते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत ड्रेसिना के प्लांट ज़रूर लेकर आएँ। देखिए कई बार आपको ये भी पता नहीं होता कि हम ड्रेसिना के प्लांट की पहचान कैसे कर सकते हैं। ड्रेसिना के प्लांट की पहचान बहुत आसानी से की जा सकती है, तो देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत यही बताऊँगा जिस समय मैंने अपने वो प्लांट शेयर किए थे। और देखिए उनके पत्तियों के कलर आप थोड़ा, मैं आपको देखिए इनकी पत्तियां पास से दिखाने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं पत्तियां उन्हीं की तरह आपको नज़र आएगी, और देख सकते हैं आप देखिए खूबसूरत ग्रीन कलर की और वाइट कलर की पत्तियां देख पाएंगे। बहुत ही हेल्थी प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इन प्लांट को आप देखिए कटिंग के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बनाएं, और बनाने ही चाहिए। जितने भी हमारे प्लांट ड्रेसिना के होते हैं, देखिए ये बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बन जाते हैं। कभी भी देखिए हम इन प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो हमें बहुत आसानी से सैंड में, रेतली मिट्टी में लगा लेनी चाहिए, और बरसात के समय में हम इन प्लांट से बहुत ज़्यादा कटिंग ले सकते हैं। तो देखिए मेरे ये ड्रेसिना के प्लांट आप देख सकते हैं, बहुत ही सस्ते प्लांट है। मैं आपको देखिए इनका प्राइस भी बताऊँगा, और मुझे प्राइस तो बताना ही होगा। यदि मैं देखिए इनका प्राइस भी आपको नहीं बताऊँगा तो देखिए मेरा इन प्लांट को आपके सामने शेयर करने का कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। और देखिए मुझे ये बताना होगा कि देखिए ये प्लांट मुझे कितने के मिल गए, और मुझे कितने के नर्सरी वाला बता रहा था। देखिए मुझे ये प्लांट कम से कम 250 रुपये के नर्सरी वाला बता रहा था, फिर भी 200 रुपये के ये प्लांट मुझे बहुत आसानी से मिल गए। 100-100 रुपये का देखिए हर एक प्लांट उसने लगा लिया है। तो आप भी देखिए इन प्लांट को ज़रूर लेकर आए। ड्रेसिना की बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है। देखिए ड्रेसिना यदि आप लेकर आते हैं, मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए 2 या 3 दिन के बाद उसे किसी भी पोर्ट में रिपोर्टिंग कर सकते हो। देखिए ड्रेसिना की सबसे ज़्यादा क्या खूबसूरती होती है, देखिए मैंने उन प्लांट की आपको खूबसूरती बताई थी, तो देखिए मुझे इनकी थोड़ी बहुत ही आपको खूबसूरती बतानी होगी, और देखिए इनकी पत्तियाँ भी दिखानी होगी। देखिए इनकी पत्ती आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ पत्ती आपको नजर आएगी, और बहुत ज़्यादा पत्तियों से भरे हुए ये प्लांट हैं। देखिए कई बार आपको कुछ ड्रेसिना के प्लांट एक घास की तरह दिखाई देते हैं, पर देखिए इनकी बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होती है, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें अपने घर में लगाना चाहिए। ड्रेसिना से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। देखिए ड्रेसिना के इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ही होते हैं। सबसे पहले देखिए ये प्लांट कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से बन जाते हैं, और उसके बाद देखिए यदि आप इन प्लांट को अपने मनपसंद पोट में लगाना चाहें तो बहुत आसानी से लग जाते हैं। और देखिए ड्रेसिना को आप हल्की हल्की सन में भी रख सकते हैं, पर देखिए ज़्यादातर ये प्लांट इंडोर में चलने वाले ही प्लांट होते हैं, छायादार प्लांट होते हैं, और इतने ज़्यादा पत्तियों से भरे हुए प्लांट हैं। और देखिए यदि इन ड्रेसिना की आपने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती कहीं पर भी देखी होगी, तो देखिए मैं भी आपको इनकी थोड़ी बहुत ही खूबसूरती दिखाई पाऊँगा, और ये भी बता पाऊँगा कि देखिए इन ड्रेसिना को आप आसपास की नर्सरी से ज़रूर लेकर आए। और देखिए मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये प्लांट देखिए, मुझे मैंने आपको इनका प्राइस ज़रूर बताया, और देखिए ये भी बताया कि मेरे ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा पत्तियों से भरे हुए हैं, पर देखिए मुझे इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको और कुछ भी बताना होगा। और ये भी बताना होगा कि देखिए ये प्लांट पॉलिथीन बैग में लगे हुए ही प्लांट है, पोट में लगे हुए प्लांट नहीं है। कई बार देखिए यदि ड्रेसिना को आप नर्सरी से लेने के लिए जाएंगे तो आपको ये प्लांट बहुत आसानी से पोट में भी लगे हुए मिल जाएंगे। और देखिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इन प्लांट को पॉलिथीन बैग में ही ज़्यादा लेकर आए, क्योंकि देखिए सबसे आपको ज़्यादा फ़ायदा इन प्लांट से क्या होगा, देखिए मुझे भी कुछ फ़ायदा ही है, मैं आपके सामने ये प्लांट शेयर कर पा रहा हूँ और बता रहा हूँ, तो देखिए आप भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे ये फ़ायदा होगा कि देखिए इसमें कम से कम देख सकते हैं एक पॉलिथीन बैग है और 3 प्लांट लगे हुए हैं, और इसमें आप देख सकते हैं 2 प्लांट लगे हुए हैं। तो देखिए
आप ये एक हिसाब लगा लीजिए और सोच लीजिए, यदि ये प्लांट आपको पॉलिथीन बैग में सस्ते पड़ रहे हैं तो आप इन्हें लेकर आ सकते हैं। मैं भी देखिए इन्हें बहुत ही सस्ती कॉस्ट में लेकर आ गया। यदि मैं इन प्लांट को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा बड़े या मीडियम साइज़ के पॉट में भी लेने के लिए जाता है, ले लेता तो देखिए मुझे कम से कम 200 रुपये से एक प्लांट कम नहीं पड़ता। फिर भी देखिए मुझे ये 200 रुपये के सारे ही प्लांट मिल गए हैं। और देखिए मेरे इन ड्रेसिना में आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा पत्तियाँ भरी हुई है और मुझे देखिए एक भी पत्ती इनकी पीली या गिरी नज़र नहीं आ रही है। तो आप भी देखिए इस खूबसूरत ड्रेसिना को ज़रूर लेकर आए। ड्रेसिना को आप देखिए कटिंग के द्वारा अपनी मनपसंद से बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसे खूबसूरती ले सकते हैं। तो देखिए ड्रेसिना का समय कब होता है, किस समय आप इसे कटिंग के द्वारा बना सकते हैं, आप इसे बरसात के समय में बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। इस समय आप देखिए मैं आपको ये पॉट शेयर और आपको देखिए प्लांट शेयर कर पा रहा हूँ। देखिए पॉट तो मैं इनके लिए ले ही पाऊंगा, अच्छे से अच्छे मुझे पॉट लेने होंगे, पर देखिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे अपने इन ड्रेसिना के लिए कुछ डिजाइनदार पॉट लेने होंगे। यदि देखिए मेरे ये प्लांट इतने खूबसूरत प्लांट हैं तो मुझे अपने इन खूबसूरत ड्रेसिना के लिए देखिए कुछ बहुत ही खूबसूरत डिजाइनदार पॉट भी लेने होंगे। जितने देखिए मेरे प्लांट खूबसूरत प्लांट है तो मुझे इनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरती तो लेनी होगी। देखिए मुझे इनके लिए कुछ डिजाइनदार बहुत ही खूबसूरत पॉट लेने होंगे और देखिए मिट्टी वाले पॉट लेने होंगे। कभी भी आप ड्रेसिना को देखिए प्लास्टिक के पॉट में कम ही लगाएं। आज के समय में देखिए हम जितने अपने घर में प्लांट लगाते हैं, छोटे साइज के प्लांट हो बड़े साइज के प्लांट हो, आप देखिए ज़्यादातर अपने प्लांट को मिट्टी के पॉट में लगाएं। और देखिए मेरे पास भी थोड़ा स्पेस कम है तो देखिए मुझे ये सोचना होगा कि मुझे इनके लिए कुछ छोटे ही पॉट लेने होंगे। मेरे पास देखिए बड़े पॉट लगाने के लिए तो जगह कम होगी, पर देखिए मैं इन प्लांट को बहुत आसानी से छोटे छोटे मीडियम साइज के पॉट में बहुत आसानी से लगा ही लूँगा यदि मैं इन प्लांट को लेकर आ गया हूँ। तो देखिए आप भी इन प्लांट से बहुत ज़्यादा फायदे उठाए। देखिए मैं आपको इनका कुछ फ़ायदा भी बताऊँगा। आप देख सकते देखिए यदि ये प्लांट देखिए इतने ज़्यादा भरे हुए और इतने ज़्यादा बड़ी हाइट के प्लांट है तो देखिए इन्हें बहुत आसानी से बरसात के समय में मैं कटिंग के द्वारा बना भी सकता हूँ। और देखिए इस समय थोड़ा सा मौसम अभी गर्मी का चल रहा है तो देखिए यदि बीच में कई बार 2 या 4 दिन के बाद देखिए बूंदाबांदी बारिश हो जाती है, ठंडा मौसम हो जाता है, तो देखिए मैं इनसे बहुत आसानी से कटिंग भी ले सकता हूँ। इस समय देखिए मेरे पास ये प्लांट आ चुके हैं, मैं इनसे बहुत आसानी से कटिंग ले लूँगा और कटिंग बना लूँगा। तो देखिए मैं इन प्लांट से आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये भी बताया कि देखिए इन प्लांट को थोड़ा मैंने आपको पास से दिखाया और बताया कि देखिए हर एक पॉलिथीन बैग में आप देख सकते हैं, इसमें आपको 2 प्लांट ड्रेसिना के लगे हुए नजर आएंगे और इसमें देखिए 3 लगे नजर आएंगे। यदि मैं चाहूँ देखिए इन्हें काट काट कर बहुत ही आसानी से किसी भी छोटे छोटे पॉट में लगा लेता हूँ, बहुत अच्छी से अच्छी रेतली मिट्टी में लगा लेता हूँ, तो देखिए ये प्लांट बहुत आसानी से 15 या 20 दिन बाद कटिंग के द्वारा बन जाएंगे और चल जाएंगे। और देखिए यदि मैं इन प्लांट से यहाँ से कटिंग ले लेता हूँ तो देखिए बहुत आसानी से प्लांट दोबारा से पत्तों पर फूट जाएंगे और दोबारा से इन पर पत्ते भर जाएंगे। तो आप भी देखिए, आप देख सकते हैं मेरे 200 रुपये वाले प्लांट का कितना कमाल है और कितने फ़ायदेमंद है। देखिए मैं इन प्लांट से आप देख सकते हैं हर एक प्लांट से कटिंग ले सकता हूँ और बहुत आसानी से कटिंग बना सकता हूँ। मेरे इन प्लांट का देखिए कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ये बहुत आसानी से दोबारा से फूट जाएंगे, पत्ते दोबारा से नए नए इसमें आ जाएंगे। तो देखिए मैं भी इन प्लांट को यही सोच रहा हूँ कि कटिंग के द्वारा क्यों ना बना लूँ, पर देखिए मुझे थोड़ा समय देना होगा और कुछ समय बाद मुझे इन्हें बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बनाने होंगे। तो देखिए यदि मेरे पास ये 5 प्लांट है तो मैं बहुत आसानी से देखिए 5 और प्लांट बनाने के बाद मेरे पास 10 ड्रेसिना के प्लांट हो जाएंगे। तो आप भी देखिए इन खूबसूरत ड्रेसिना को ज़रूर लेकर आए, ड्रेसिना से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग बनाएं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते प्लांट होते हैं। और देखिए ज़्यादातर तो देखिए ड्रेसिना के प्लांट आपको ये भी पता होगा कि ये इंडोर में छायादार चलने वाले प्लांट होते हैं, इन्हें ज़्यादातर छाया ही पसंद होती है। आप इन प्लांट को छाया में रखें। और देखिए मैं आपको कई बार ये ही बताता हूँ और यही मैसेज देता हूँ कि आप अपने प्लांट को कुछ हवादार में रखें जहाँ पर इसे देखिए हवा मिलती रहे और हवा पास होती रहे। कभी भी आप अपने प्लांट को ज़्यादा देखिए, आप सोचते हैं कि हमने अपना प्लांट बहुत आसानी से बचा लिया और बहुत आसानी से देखिए अपने प्लांट को कुछ ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर इसे बहुत ही छाया मिल रही है। देखिए कभी भी हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो हमें अपने प्लांट को कुछ ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ पर हमारे प्लांट को हवा मिलती रहे, हवा पास होती रहे। तो आप भी इन खूबसूरत ड्रेसिना को ज़रूर लगाएं। और देखिए मेरे ये प्लांट इतने ज़्यादा देख सकते हैं, देखिए घास की तरह ज़रूर आपको दिख रहे हैं पर देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती फेस टू फेस यदि कभी भी आप इन प्लांट को देखते हैं तो ये प्लांट आप ज़रूर कराएंगे और जरूर लगाएंगे। आप भी इन खूबसूरत ड्रेसिनों को जरूर लगाएं और कटिंग के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जरूर बनाएं।